नमस्ते, जय हिंद। वेलकम है आपका मेरी माई जू के चैनल में और वेलकम है शेफ बाय हार्ट में। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट प्रियंका का भांजा आरू। एंड आज मेरी माई जू आपको दिखाने वाली है एक बहुत स्पेशल चीज़, तो प्लीज़ स्टे ट्यून टू वीडियो एंड आरू। तो बने रहिए मेरी माई जू के वीडियो के साथ, लास्ट तक देखिएगा प्लीज। और आई लव यू ऑल। हाय एवरीवन, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शेफ बाय हार्ट। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त प्रियंका। तो जैसा कि आरो ने आप लोगों को बता ही दिया है कि आज की वीडियो होने वाली है सुपर 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 इंटरेस्टिंग, तो प्लीज स्टे ट्यून टू माय वीडियो एंड लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और डिसलाइक मत करना प्लीज। चलो कर देना, कोई नहीं, डिसलाइक भी कर देना, वो भी मैं झेल लूँगी। तो थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कि इस महीने घर बैठे बैठे गृहिणी यानी कि मेरी ननद और मैंने काफ़ी शॉपिंग करी है, तो उनमें से कुछ चीज़ें आप लोगों ने देखी भी हैं और कुछ चीज़ें नहीं देखी है, कुछ ड्रेसेस, तो वो मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ, यानी कि शॉपिंग हॉल ऑफ गृहिणी एंड मी दिस मंथ। इस महीने की शॉपिंग हॉल दिखाते हैं हम आपको कि हमने क्या क्या शॉप किया अपने लिए, बच्चों के लिए। और तो बस यही था आज वीडियो का, जो मेरा क्राइटेरिया है यही है कि शेयर करूं आप लोगों के साथ कि हमने क्या क्या ख़रीदा है और कितने कितने में ख़रीदा है, कितने कितने में ख़रीदा है, ये भी शेयर करने वाली हूं। तो अगर उसका प्राइस ठीक लगे तो गिव अ थम्स अप टू माय वीडियो एंड प्लीज़ गिव अ थम्स अप टू माय वीडियो। ऐसा वाला था मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो और कमेंट करके बता दीजिएगा कि कौन सा ज़्यादा सबसे अच्छा लगा आपको। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, लेट्स गो। हाँ, तो शुरुआत करते हैं हम बच्चों की शॉपिंग से। हम कल घर के पास ही हमारे एक शॉप है गुप्ता गारमेंट्स, हम वहाँ पे गए थे और हम बच्चों के लिए लेकर आए हैं वहाँ से कुछ। तो मैं दिखा देती हूँ, सबसे पहले ये है एरिका ड्रेस। तो वैसे तो आजकल कहीं आना जाना होता नहीं है हम लोगों का, आपको पता ही है, लेकिन कभी कभी घर में ही नो कुछ ऐसे फंक्शंस हो जाते कि अचानक से। अब ऐसा तो है नहीं कि कभी भी बाज़ार गए और कभी, और आजकल हम बाज़ार जाना बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं, तो घर के पास एक दुकान है तो हम वहीं से शॉपिंग कर लेते हैं, बहुत अच्छे प्राइस हैं वहाँ पर। तो ये एरिका ड्रेस है, दिस इज़ द फुल स्लीव टी शर्ट, क्योंकि अब सर्दियाँ आने वाली हैं, मतलब थोड़ा बच्चों को थोड़ा सा ठीक रहता है ना, और मच्छर वच्छर से भी बचाने के लिए। तो एक फुल स्लीव की टी शर्ट ली है और उसके साथ है ये प्यारा सा जॉगर लुक का जीन्स। ये है, मुझे इसका जीन्स जो है बहुत पसंद आया है, इसका कपड़ा, और सर्दियों के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी हैवी है इसका जो कपड़ा है ये, और ढीला है, अच्छा खासा स्ट्रेची है, तो बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे और मेरा बच्चा आपने खासकर देखा ही है उछल कूद करता रहता है बहुत ज़्यादा, तो ये इसका जीन्स का कपड़ा मुझे बहुत सॉफ्ट लगा और मोटा भी है और लगता है कि बहुत चलेगा, तो मुझे ये अच्छा लगा ड्रेस। तो ये कैसा लगा आपको एडी का ड्रेस बताना, और इसका जो प्राइस है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो अगर उतने प्राइस में आपको लगा कि अच्छा है तो बता देना, और अगर नहीं लगा, मुझे लगता अगर आपको लगा कि महंगा ले लिया मैंने तो वो भी बता देना। फर्स्ट ड्रेस वॉज एडीज ड्रेस, फिर से ये भी एडी का है, तो मैं पहले ढंग से बैठ जाती हूँ, आराम से ऐसे करके अब दिखाऊंगी। ये है वेंटेज क्रिएटिव फैशन डिज़ाइन का पूरा पैक टी शर्ट्स का, इसमें इस पैक में तीन टी शर्ट्स आती हैं, तो एडी के साइज की तीन टी शर्ट्स मैंने ली है। ये ऑफ वाइट है, इस तरीके की हाफ स्लीव टी शर्ट है कि घर में या फिर इधर उधर मार्केट वगैरह या कहीं किसी के घर जाते टाइम पहनने के लिए, तो एक ऑफ वाइट कलर की थी, और दिस इज ऑफ लाइट पिंक, बेबी पिंक ये कलर है। कपड़ा इसका अगेन बहुत सॉफ्ट है, कॉटन का कपड़ा है, मुट्ठी में आ जाता है और पहनने में बहुत ईजी है, एंड यू नो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है ये कपड़ा, सॉफ्ट है बिल्कुल, तो बच्चों के लिए थोड़े से सॉफ्ट सॉफ्ट कपड़े ही अच्छे लगते हैं। तो सेकंड टी शर्ट वॉज ऑफ बेबी पिंक कलर एंड थर्ड टी शर्ट वॉज दिस वन, तो दिस इज प्योर रेड कलर, यू कैन से टोमेटो रेड, नो इट्स नॉट टोमेटो रेड, दिख रहा है टोमेटो रेड बट टोमेटो रेड और मरून के बीच का कुछ कलर है ये रेड कलर, चेरी रेड यू कैन से इट, एंड दिस इज द टी शर्ट।
ये एडी की 3 टी शर्ट्स थी, तो ये पैक में थी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये पैक और रीज़नेबल प्राइस पर था। प्राइस मैंने नीचे लिख दिया है, तो प्लीज़ आप देखना अगर आपको प्राइस ठीक लगा हो इनका, तो बहुत रीज़नेबल प्राइस की शॉप है वो। और आई एम द रेगुलर कस्टमर ऑफ दैट शॉप, तो वो मुझे बिल्कुल ठीक ठीक प्राइस पे देते हैं, इसलिए मैं हमेशा वहाँ पर जाती हूँ। एंड ये मैंने लिया था 2 टी शर्ट्स, ये है मेरे बड़े बेटे नीमो की, तो एक तो ये टी शर्ट है काफ़ी बड़ी है क्योंकि वो भी काफ़ी बड़ा है, वो छोटा तो नहीं है। तो ये ब्लैक टी शर्ट है, प्योर कॉटन की टी शर्ट है और 34 साइज़ है इसका, 34 साइज़ है, तो उसको थोड़े बड़े ही कपड़े पहनाती हूँ, बड़े कपड़े पहनाती नहीं हूँ, वो बहुत बड़ा ही है, आपने देखा ही होगा उसका जो हाइट एंड उसका जो वेट है वो उसकी एज के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसलिए उसके लिए बड़े कपड़े ही लगते हैं। तो ये 34 साइज़ का टी शर्ट उसके लिए, तो एक ब्लैक टी शर्ट मैंने लिया, इसका कोई पैक नहीं था तो मैंने ये अलग अलग टी शर्ट्स ली हैं। ये वाइन कलर का है, ये आपको पता नहीं किस तरीके का लिखा होगा, ये वाइन कलर का टी शर्ट है, ये भी नीमो का है, इसमें NY लिखा है और नीमो को ये वाला टी शर्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया, उसने कल पहना और वो बिल्कुल उतार ही नहीं रहा था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं ना, बच्चों को समझाना पड़ता है कि कभी कभी पहनने के लिए है, घर में पहनने के लिए उसके पास काफ़ी टी शर्ट्स हैं। और मैंने बताती हूँ आपको कि मैंने आरा और आर के लिए क्या लिया था, सबसे पहले हम दिखाएंगे, दिखा देती हूँ, ये है फुल स्लीव टी शर्ट है, ये भी येलो कलर का, मस्टर्ड कलर मेरा फेवरेट कलर है, और इस तरीके का जो ये डिज़ाइन है इसमें, ये मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि इससे बच्चों का जो हाथ होता है ना, मतलब वो बंद रहता है तो बाहर नहीं निकलता और काफ़ी अच्छा लगता है, स्टाइलिश लुक देता है। एंड ये चीज़ देखिए इसका, ये भी मुझे बहुत पसंद आया ये चीज़ ना, ये स्ट्रेची होता है और सर्दियों में थोड़ा ठीक लगता है। तो ये आरब की टी शर्ट है और ये है उसका जीन्स, डार्क ग्रे कलर का, इस तरीके का जीन्स तो सिंपल ही होती है, आपको ये देख लीजिए, तो ये भी मुझे ठीक ठीक प्राइस में मिल गया था, मतलब सारी शॉपिंग जो मैंने करी है वो बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पे करी है मेरे हिसाब से। अगर आपके हिसाब से आपको महंगा लगता है या सस्ता लगता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, अगर आपको महंगा लगता है तो मुझे थोड़ा दुख तो होगा, लेकिन आगे से तो मैं ध्यान रखूँगी कि इतना महंगा नहीं खरीदना है। और ये है आरू की ड्रेस, ये टी शर्ट भी फुल स्लीव टी शर्ट है, ये मैंने थोड़ा बड़ा लिया है उसके लिए ताकि वो थोड़ा बाहर तक भी पहन पाएगा आराम से। तो ये फुल स्लीव की टी शर्ट है, हाफ एंड हाफ इसका कलर है येलो एंड ब्लू की मैचिंग के साथ, तो बहुत क्यूट टी शर्ट है। और अनदर क्यूट ही इज है, ये है उसकी छोटी सी क्यूटी सी जीन्स और यहाँ पर भी पॉकेट्स हैं छोटी सी, तो कार्गो लुक की जीन्स है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा ये पीस उसका, तो मैंने बस ले लिया उसके लिए। यहाँ ख़त्म होती है बच्चों की शॉपिंग। दिखाती हूँ कि मुझे गिफ्ट मिला था रक्षाबंधन पे, जो मेरे भाई हैं गहनी जी के जो हस्बैंड हैं वो मेरे भाई हैं, मतलब मेरे राखी भाई हैं वो, तो वो मेरे लिए लेकर आए थे ये है इस तरीके का नेक है इसका और पूरा फ्लेयर वाला है ये गाउन, इस तरीके का है, बहुत अच्छा फ्लेयर है इसमें। और ये देखिए कलर है इसका ब्लू एंड येलो और ऑरेंज कलर के फ्लावर्स बने हैं इसमें, इसका फ्लेयर देखिए कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा घेर वाला गाउन है ये, और ये इतना हैवी भी नहीं है कि हम पहन नहीं सकते, ये इजीली कैरी करा जा सकता है क्योंकि कॉटन का है तो गर्मी लगने का बिल्कुल भी सवाल पैदा नहीं होता। मुझे बहुत पसंद आया ये, तो थैंक यू ब्रो आपके इस प्यारे से गिफ्ट के लिए। और ये मैं पहन चुकी हूँ, मैं आपको अनदर कुर्ती, ये मैंने ली थी गृहणी जी के लिए, ये इस तरीके का स्ट्रेट कुर्ता है सिंपल सा, यहाँ पे देखो इस तरीके का सिंपल स्ट्रेट कुर्ता है और लाइट ग्रीन लॉकी वाला कलर है ना, घिया कलर है, उस कलर का कुर्ता मैंने लिया था उनके लिए। और ये हमारे यही नीचे जो हमारे किराएदार हैं उनसे लिया था मैंने, वो थोड़ा सा काम करते हैं ये वाला, तो ये कॉटन का है, प्योर कॉटन का है और इसमें हल्का हल्का ये इस तरीके का
अगर दिख रहा हो तो एम्ब्रॉयडरी हो रहा है, बिल्कुल हल्का सा वर्क हो रहा है इस पर और कलर भी बहुत लाइट है। गर्मियों के पर्पज से बहुत सुपर कुर्ती लगी मुझे, जीन्स के साथ डाल लीजिए इसको, प्लाजो के साथ कैरी कर लीजिए, रियली फैंटास्टिक इट इज़। और इसके साथ का प्लाजो ये चिकनकारी वाला, तो ये चल जाएगा इसके साथ, तो जो उनके पास पहले से था तो मैंने आपको कॉम्बिनेशन के लिए दिखा दिया कि ये इस टाइप का प्लाजो के साथ इसको कैरी करिए कुर्ती को, तो बहुत अच्छा लगेगा। वैसे आप जीन्स के साथ भी कैरी कर सकते हैं। और सेम ऐसा ही कुर्ता मैंने भी लिया है अपने लिए, बट मेरा जो कुर्ता है वो लाइट पिंक कलर का है। लेट मी शो यू, तो दिस इज़ माई कुर्ता। सेम वही पैटर्न है, सेम वही कपड़ा है, सेम वही रेट है और बस थोड़ा सा कलर का फ़र्क है। तो ये पिंक कलर का कुर्ता है, आई लव पिंक कलर। एंड तो ये वाला कैसा है ये प्लीज़ बताइएगा। सेम है तो डिस्क्रिप्शन मैं कुछ दे नहीं रही हूँ इसमें, प्राइस मैं आपको नीचे बता दूँगी, लिख दिया होगा मैंने, आप देख लीजिए प्लीज़। तो ये था हमारा कुर्ता, इसको आप जीन्स, ब्लैक जीन्स के साथ कैरी कीजिएगा। एंड और एक छोटा सा डेनिम का जैकेट ले सकते हो आप इसके ऊपर, बहुत सुपर लुक आएगा। विच आई हैव गॉट एज अ गिफ्ट फ्रॉम माई सासू मॉम। मेरी सासू मॉम ने मुझे ये कुर्ता गिफ्ट किया था तीज पे, आपने देखा होगा मैंने तीज रूप में पहना है ये। तो ये कुर्ता और प्लाजो सेट है, इसका प्लाजो है इस तरीके का, ये इसका प्लाजो है, ये तो सिंपल प्लाजो है इसका, कोई इतना क्या बोलते हैं इस तरीके का प्लाजो, देखिए आप। तो ये मैंने पहना था तीज पे, इसलिए मैं आपको, तो ये कैसा लगा आपको ये भी बताना, इसके प्राइस पे मैं आपको लिख के दूंगी। और ग्रहणी जी का एक और कुर्ता है, वो भी आपने देखा होगा, उन्होंने भी तीज पे वेयर किया था। तो ये है वो कुर्ता, ये है, तो उनका है ये कौन सा ब्लू है आई डोंट नो, बट ब्लू है और ये आपने देखा ही होगा शायद। फुल स्लीव्स का कुर्ता है, स्ट्रेट कुर्ता है बिल्कुल, और नीचे से इस तरीके का स्लिट दिया हुआ है हल्का सा। तो ये गृहिणी जी ने तीज में पहना था, आपने देखा भी होगा, तो बहुत सुपर कुर्ता है। चाइनीज कॉलर वाला इसका डिज़ाइन है, इसका लुक थोड़ा टर्टल नेक टाइप का है क्योंकि ऐसे बंद भी हो जाता है, तो टर्टल नेक वाला लुक है इस कुर्ते का, बहुत सुपर कुर्ती लगती है ये। इस पर पेंटिंग हो रही है, खाड़ी प्रिंट बोलते हैं शायद इसको, आई एम राइट। ये चेक में गोल्डन एंड ब्लू का जो चेक वाला पैटर्न है, बहुत ही अच्छा लग रहा है इसमें। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ, और ये प्लाजो ऐसा है कि आप इसको किसी भी, आप इसको टी शर्ट के साथ भी वेयर करेंगे तो ये बहुत ऑसम लगेगा, क्योंकि इसका डिज़ाइन ऐसा ही है ना, पैंट स्टाइल में प्लाजो है ये। और इसका जो प्रिंट है, ये जो चेक वाला प्रिंट है ना, ये बहुत ऑसम लगता है। आप इसको टी शर्ट्स के साथ वेयर कर सकते हो, आप इसको शॉर्ट कुर्ती के साथ वेयर कर सकते हो, आप इसको व्हाइट कुर्ती के साथ, चिकन व्हाइट कुर्ती के साथ वेयर करेंगे, बहुत ऑसम लगेगा फ्रेंड्स। और जिसके साथ का है उसके साथ तो बहुत ऑसम लगता ही है। और अब मैं दिखाती हूँ आपको हमारी शॉपिंग का हीरो, यानी कि जो हमने कल शॉप किया है रेनी और मैंने। तो कल हम गए थे यहाँ पर, हमारे घर के पास में ही एक नई शॉप खुली है गारमेंट्स की, तो वहाँ पे कुर्तियाँ, बच्चों के कपड़े, जीन्स वगैरह भी हैं। और मैंने देखे तो वहाँ पे जो प्राइस लगे मुझे वो इतने रीज़नेबल लगे, जितना भी उन्होंने दिखाया मुझे ऐसा लग रहा था कि सारा ले लूँ, क्योंकि सारा बहुत ही ऑसम था। डिज़ाइनर कुर्तीज़ थी और एक से एक, सिंपल से लेकर डिज़ाइनर कुर्तियाँ तक, इतनी बेस्ट दिखाई उन्होंने। और गर्व गारमेंट्स नाम की एक शॉप है हमारे यहाँ पर, कि थोड़ा सा पास ही है, आराम से जा सकते हैं स्कूटी पे, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे वहाँ पहुँचने में। तो मम्मी और मैं गए थे और शॉपिंग करके आए हैं कुछ, दिखाती हूँ मैं आपको। तो मैं बता रही थी कि वहाँ पे जो प्राइस है और जो वहाँ का जो कपड़ा है इतना औसम है कि जो भी मेरे आसपास के लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर यहाँ कहीं रहते हो आप मेरे घर के आसपास और मुझे जानते हो, प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू मी, आई विल शो यू दैट शॉप, एंड प्लीज़ यू कैन शॉप योर कुर्तीज एंड जो भी आप लेना चाहते हो। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ गृहिणी जी का कुर्ता। तो ये है गृहिणी के लिए जो मैंने लिया कल, ऐसे खड़े होके दिखाना पड़ेगा। तो ये है इस तरीके का फ्रॉक कुर्ता, कॉटन में है गोल्डन प्रिंट के साथ, और इसका फ्लेयर देखिए, और नीचे ये बॉर्डर भी दे रखा है इसका, तो
बॉर्डर की वजह से जो है ये नीचे से हैवी है। बॉर्डर इसी कपड़े का है, इसी प्रिंट का है, लेकिन थोड़ा सा जो है उसको सहारा देता है और लेंथ भी ऐड करता है। तो ये एंकल लेंथ कुर्ती है और स्लीव्स इस तरीके की है। ये बटन लगा हुआ है स्लीव्स में, आगे एक दो तीन चार तीन बटन है, आगे तीन बटन लगे हुए हैं। बहुत सुंदर कुर्ती है। मैं गृहिणी जी को रिक्वेस्ट करूँगी कि जल्दी ही इस कुर्ती को पहन के आप लोगों के साथ शेयर करें कि कैसा लुक आता है इसका। और इसके साथ वैसे तो क्योंकि एंकल लेंथ कुर्ती है तो आप कुछ भी वेयर कर सकते हैं तो पता नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी मैंने सिंपल सी रेड कलर की लेगिंग ली है इसके साथ वेयर करने के लिए। आप चाहते हो तो गोल्डन भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, लेकिन क्योंकि दिखना है नहीं इसके नीचे तो मुझे गोल्डन से ज़्यादा अच्छा मुझे रेड वाला लगा, तो मैंने रेड लेगिंग और रेड कुर्ती लिया उनके लिए। ये गृहिणी जी का था। एंड लास्ट वन इज माइन, मैंने लिया है करवा चौथ के लिए। बहुत टाइम है आई नो, लेकिन शॉपिंग का हम लोग को बहाना चाहिए होता है ना, तो बहाना था कल मेरे पास तो मैंने ये, और ये परफेक्ट मैच मिल गया मुझे करवा के लिए तो मैंने ये लिया है। ये मेरी भी एक गाउन कह लीजिए इसको या फ्रॉक कुर्ती कह लीजिए, जयपुरी प्रिंट में है, ऊपर की साइड गोल्डन बीट्स का काम है। ये देखिए सबसे अच्छा मुझे लगा इसका फ्लेयर, इसका फ्लेयर फुल है बिल्कुल। ये देखिए इतना बड़ा घेरा है इसका और सबसे बहुत आसानी से इसको वेयर कर सकते हो आप। ज़्यादा हैवी नहीं है, बिल्कुल भी हैवी नहीं है एक्चुअली। और जयपुरी प्रिंट मुझे बहुत पसंद है बहुत ज़्यादा, मेरे पास बहुत कम कपड़े हैं जयपुरी प्रिंट में, तो मुझे जैसे ही मैंने देखा मुझे ऐसा लगा कि इट शुड बी माइन जल्दी से, तो मैंने फटाफट से ले लिया। ये ऊपर की साइड ये छोटा सा मैं दिखाती हूँ, ऐसा कुछ काम हो रहा है इसमें, ये मोतियों का और गोल्डन बीड्स का काम है। तो अगर आप खड़े होके देखना चाहते हो इस पर घेरा तो आई कैन शो यू दैट ऑल्सो। तो ये देखो इतना बड़ा घेरा है इसका और कुर्ती बहुत ऑसम है। आप इसको शादी पार्टी में भी वेयर कर सकते हो ऑफकोर्स, क्योंकि रेड कलर है और रेड कलर का अगर आपने कोई ड्रेस पहना है तो आपको कोई ज़्यादा मेकअप करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही इतना ग्लो ला देता है आपके चेहरे पे। ये एक्चुअली पूरा रेड नहीं है, रेड वो था गृहिणी जी का, ये मरून कलर है, लेकिन मरून कलर इज़ ऑल्सो माई फेवरेट और मेरी शादी की साड़ी भी मरून कलर की है, मैंने आपको दिखाई है। तो इस बार मैं गरबा पे ये वाला कुर्ती वेयर करूँगी और ज़रूर दिखाऊँगी आप लोगों को। फ्लेयर देखिए आप इसका कितना ज़्यादा है, तो ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी। ये था मेरा लास्ट शॉपिंग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, इसका भी प्राइस मैं नीचे लिख देती हूँ। तो ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी मेरी शॉपिंग आप लोगों को। आई होप कि मेरा वीडियो आपको बोर नहीं कर रहा होगा, और अगर बोर कर रहा होगा तो सॉरी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं क्योंकि नाउ यू आर माय फैमिली, तो फैमिली के साथ सब कुछ शेयर करना चाहिए। आई थिंक था अच्छा था बुरा था या ठीक था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। एंड येस दिस इज़ माई सेटअप फॉर माई वीडियो एंड आई एम वेरिंग हल्का हल्का मेकअप ऑफ गृहिणीज, क्योंकि मेरे पास मेकअप नहीं है तो गृहिणी जी का थोड़ा सा मेकअप कर लिया। मुझे मेहनत अगर दिख रही है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल शेफ बाय हार्ट, एंड इतना प्यार देने के लिए अभी तक थैंक यू। एंड अगर आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है तो 6 PM एंड 10 PM मेरी लाइव स्ट्रीम में थोड़ी देर प्रेजेंट बोलने के लिए आ जाया कीजिए प्लीज़। और क्या कहूँगा, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड मिलती हूँ आपसे जल्दी ही एक अलग रेसिपी के साथ और व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय।